गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4 वेक्टर कैलकुलस। और फर्स्ट टॉपिक है इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आपने 12th में जितना भी वेक्टर पढ़े हैं इस यूनिट के लिए पूरा बेस है, तो पहले आप जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 12th वाला जितना भी पढ़े आपने वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसके बाद जो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में आपने 3 प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर होना चाहिए, उसी को बेस वही पूरा बेस है। और उस वो अगर आपको क्लियर है तो फिर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि वो आपका क्लियर है। अगर नहीं है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको जो है उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 वेक्टर कैलकुलस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार इज डिनोटेड बाय ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार एंड डिफाइंड एज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू। तो देखो, 3 वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ध्यान रखना 3 वेक्टर्स के बीच में जो है क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट आपने पढ़े हैं, एक डॉट रहता है और एक क्रॉस होता है। तो ये दोनों जगह जो है वो क्या लगा है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसकी नोटेशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि नोटेशन से ही आप इसको पहचानेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका एक्सपांशन कैसा होगा, तो ये ए बार से ब्रैकेट में मल्टीपल। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो ये ए बार का मल्टीप्लिकेशन पहले ब्रैकेट के जो दूसरा नंबर से सी बार, सी बार से, और ये जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ए बार डॉट सी बार। और फिर ये जो ब्रैकेट में जो दूसरा वेक्टर बाकी है बी बार, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ ब्रैकेट के साथ रहेगा, ए बार डॉट सी बार और सिंपल मल्टीप्लिकेशन बी बार। देखो तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ मैं, एक डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है और एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर के बीच में होता है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी के बीच में होता है, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी पूरी, और ये बी बार जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ब्रैकेट और ये बी बार के बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर माइनस ए बार का मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से सी बार के साथ किए थे, अब ए बार का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बी बार के साथ करेंगे। तो ये इस तरह से बनेंगे ए बार डॉट डॉट प्रोडक्ट आएगा बी बार, और फिर ये ब्रैकेट का जो दूसरा वेक्टर है सी बार, इसके साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपांशन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार। और अगर इस तरह से है ए बार क्रॉस, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इस तरह से भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है सी बार से अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो सी बार से जो मल्टीप्लिकेशन होगा पहले ए बार के साथ होगा, तो ये इस तरह से लिखेंगे ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार, फिर माइनस, ठीक है। फिर सी बार का जो मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, बी बार के साथ, तो ब्रैकेट में आएगा बी बार डॉट सी बार इंटू ए बार। इस तरह से आपको जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपांड करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल है शो दैट, ये 4 क्वेश्चन है, 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो 3 टर्म्स है टोटल, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर तीनों टर्म्स में देखेंगे आप तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखो 3 वेक्टर्स है ए बी सी और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर है बी सी ए और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है,
सी ए बी इनके बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, इसका एक्सपांशन होगा ए बार से इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बार का मल्टीप्लीकेशन पहले सी बार के साथ आएगा और डॉट प्रोडक्ट रहेगा ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर ए बार का बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट रहेगा ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार। तो ये जो एक्सपांशन आया है ये फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन है। अब सेकंड टर्म का एक्सपांशन करेंगे प्लस, तो देखो ये बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार है तो बी बार का पहले डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा ए बार के साथ, है ना। तो ये इस तरह से आएगा बी बार डॉट ए बार और सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा सी बार रहेगा, उसके बाद लिखेंगे माइनस, बीच में माइनस लिखेंगे, फिर बी बार का डॉट प्रोडक्ट सी बार के साथ लिखेंगे बी बार डॉट सी बार और सिंपल मल्टीप्लीकेशन ए बार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टर्म का एक्सपांशन। अब ये थर्ड टर्म का एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन राइट है, तो सी बार से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है तो इसका क्या आएगा एक्सपांशन प्लस है आगे राइट है, उसके बाद ये सी बार का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा पहले बी बार के साथ आएगा, तो ये आएगा सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार और बीच में रहेगा माइनस, फिर सी बार का ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट रहेगा सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो तीनों टर्म्स में मैंने क्या किया हूँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई किया हूँ। अब देखो ये टर्म्स जो है वो जो कॉमन है उसको हम कैंसिल करेंगे प्लस और माइनस वाली, तो ए बार डॉट सी बार है ना, ये ए बार डॉट सी बार, देखो डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट सी बार को आप सी बार डॉट ए बार लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लॉ जो है डॉट प्रोडक्ट में क्या है होल्ड है, मतलब ट्रू है, ए बार डॉट सी बार को सी बार डॉट ए बार लिख सकते हैं, ये एक ही है। तो ये वाली टर्म्स अगर देखेंगे आप, फर्स्ट टर्म ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार, ए बार डॉट सी बार, ये ए बार डॉट सी बार डॉट ए बार एक ही बार है और मल्टीप्लीकेशन में बी बार है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में बी बार है, ये टर्म प्लस है और ये टर्म कैसी है माइनस है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ए बार डॉट बी बार, ये वाली टर्म्स अगर देखेंगे ए बार डॉट बी बार और यहाँ पे बी बार डॉट ए बार है, ठीक है, इसके भी मल्टीप्लीकेशन में सी बार है, इसके भी मल्टीप्लीकेशन में सी बार है, तो ये भी टर्म्स कैसी है सेम है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बी बार डॉट सी बार, यहाँ ब्रैकेट में देखो सी बार डॉट बी बार, बी बार डॉट सी बार, सी बार डॉट बी बार सेम है, इसके मल्टीप्लीकेशन में ए बार है, इसके भी मल्टीप्लीकेशन में ए बार है, ये टर्म माइनस है और ये टर्म कैसी है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए तो इक्वल टू आंसर कितना बचा जीरो, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। और ये क्या है तुम्हारा राइट हैंड साइड है, आपको जीरो ही शो करना था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड उसको शो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई बार क्रॉस ए बार क्रॉस आई बार प्लस जे बार क्रॉस ए बार क्रॉस जे बार प्लस के बार क्रॉस ए बार क्रॉस के बार, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया मैंने, अब जो है राइट हैंड साइड शो करना है टू ए बार। देखो आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आई बार जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जे बार जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और के बार जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ए बार कोई एक वेक्टर दिया है जो कांस्टेंट वेक्टर है इसके अंदर, राइट है, जो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अगर हर टर्म में देखेंगे यहाँ पे भी तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा यहाँ पे भी था, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ये आई बार से ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आई बार से जब ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई बार का पहले डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा आई बार के साथ, तो ये हो जाएगा आई बार डॉट आई बार और सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा ए बार, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है, फिर आई बार का ए बार के साथ आएगा तो आई बार डॉट ए बार और सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा आई बार आएगा, ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपांशन। उसके बाद जे बार के लिए भी जे बार क्रॉस ए बार क्रॉस जे बार, इसका एक्सपांशन भी बिल्कुल सेम आएगा, आई की जगह जे रहेगा और यहाँ पे आई की जगह के रहेगा, तो मैं एक के नीचे एक लिख लेता हूँ इसको, प्लस जे बार डॉट जे बार इंटू ए बार माइनस जे बार डॉट ए बार इंटू जे बार, ठीक है, ये सेकंड टर्म का एक्सपांशन प्लस थर्ड टर्म का एक्सपांशन,
के बार डॉट के बार इंटू ए बार माइनस के बार डॉट ए बार इंटू के बार, ठीक है। अब आई बार डॉट आई बार, जे बार डॉट जे बार, के बार डॉट के बार इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो आई बार डॉट आई बार की वैल्यू वन, तो यहाँ से बचेगा ए, ए बार आगे क्या है माइनस आई बार डॉट ए बार इंटू आई बार, ठीक है। जे बार डॉट जे बार वन हो जाएगा, प्लस यहाँ से बचेगा ए बार और आगे है माइनस, क्या बचा यहाँ से, जे बार डॉट ए बार इंटू जे बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ से के बार डॉट के बार वन हो जाएगा, प्लस यहाँ से बचा आपके पास ए बार और आगे है माइनस के बार डॉट ए बार इंटू के बार। तो ये ए बार प्लस ए बार प्लस ए बार, तो कितना हो जाएगा ये थ्री ए बार, और बाकी टर्म्स से जो है हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया हूँ, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ से बचा आपके पास आई बार डॉट ए बार इंटू आई बार प्लस जे बार डॉट ए बार इंटू जे बार, यहाँ से बचा, राइट है। यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस के बार डॉट ए बार इंटू के बार, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। अब जो है राइट हैंड साइड शो करेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड ए बार की वैल्यू जो है हम सपोज करेंगे, ये ए बार जो है अननोन वेक्टर्स है, मैं इसकी वैल्यू को सपोज कर लेता हूँ, जैसे वेक्टर के फॉर्म में सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट ए बार इज इक्वल टू जो है वो है ए वन आई बार प्लस ए टू जे बार प्लस ए थ्री के बार, ठीक है। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो मैंने ए बार भी वेक्टर है तो वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आई जे के कोफिशिएंट जो है वो मैंने अननोन बता दिया हूँ कि आई का कोफिशिएंट जो है वो ए वन है, जे बार का कोफिशिएंट ए टू है, के बार का कोफिशिएंट ए थ्री है। अब ये ए बार को लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है आई बार डॉट ए बार, जे बार डॉट ए बार, के बार डॉट ए बार, इनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये एग्जांपल नंबर थ्री, देखो एग्जांपल नंबर थ्री भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, एग्जांपल नंबर फोर जो है आपका होमवर्क रहेगा वो नोट कर लो, मैं इसको यहाँ से इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर फोर आपको होमवर्क रहेगा, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ से मुझे जो है यहाँ से इक्वेशन नंबर वन में आई बार डॉट ए बार कैलकुलेट करना है, आई बार डॉट ए बार, ए बार की वैल्यू मैंने ये सपोज किया हूँ ए वन आई कैप आई बार ए टू जे बार प्लस ए थ्री के बार। तो देखो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई बार का आई बार के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर जे बार है नहीं, मतलब ये आई बार डॉट जे बार जो है वो ज़ीरो होगा और आई बार डॉट के बार क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं दो वेक्टर्स का तो आई बार के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होता है, आई बार डॉट आई बार वन होता है और आई बार का डॉट प्रोडक्ट जे बार के साथ ज़ीरो होता है, के बार के साथ भी ज़ीरो होता है। तो आई बार डॉट आई बार वन हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ से ए वन, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड टर्म हमको कैलकुलेट करना है जे बार डॉट ए बार, तो जे बार डॉट ए बार की वैल्यू, जे बार डॉट ए बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे बार डॉट और फिर ये ए बार की वैल्यू ए वन आई बार प्लस ए टू जे बार प्लस ए थ्री के बार इज इक्वल टू, अब जे बार का ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे बार डॉट जे बार सिर्फ ओनली ये मिडिल टर्म्स आएगी, जे बार का डॉट प्रोडक्ट आई बार के साथ ज़ीरो होता है और के बार के साथ भी कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो जे बार डॉट जे बार वन हो जाएगा तो कितना बचेगा ए टू, और उसी तरह से k बार के साथ लेंगे तो k बार डॉट a बार इज इक्वल टू हो जाएगा k बार डॉट a1 वन आई बार प्लस a2 टू जे बार प्लस a3 थ्री के बार। तो k बार का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ k बार के साथ ही होगा, बाकी i बार और j बार के साथ डॉट प्रोडक्ट उसका ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा a3। अब ये तीनों वैल्यू जो है वो यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थ्री ए बार माइनस इन ब्रैकेट आई बार डॉट ए बार की वैल्यू, आई बार डॉट ए बार की वैल्यू ए वन, ए वन आई बार प्लस जे बार डॉट ए बार की वैल्यू ए टू, ए टू जे बार प्लस के बार डॉट ए बार की वैल्यू ए थ्री, ए थ्री के बार। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये भी ब्रैकेट के अंदर वापस किसकी वैल्यू बन गई, वापस ए बार की वैल्यू बनी,
तो इज इक्वल टू 3a बार माइनस ये वापस से a बार है। अब 3a बार माइनस a बार 2a बार, और ये राइट हैंड साइड है, ये हमको शो करना था, ये राइट हैंड साइड शो करके बताना, ठीक है। तो इस तरह से आपको गेस करना है, नोटेशन से ही गेस होता है कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आगे भी और प्रोडक्ट आपको पढ़ना है तो नोटेशन आपको ध्यान रखना है और उसका एक्सपांशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है d बार क्रॉस a बार क्रॉस b बार डॉट a बार क्रॉस c बार, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ये करली ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो 3 वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, मतलब ये क्या है आपका, इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसके ऊपर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो d बार से जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो पहले डॉट प्रोडक्ट आएगा, d बार का डॉट प्रोडक्ट b बार के साथ आएगा, d बार डॉट b बार इंटू a बार, फिर माइनस, फिर होगा d बार डॉट a बार इंटू b बार, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्सपांशन कर दिया, और आगे है डॉट प्रोडक्ट a बार क्रॉस c बार, ठीक है। तो जो ये a बार क्रॉस c बार है, ये डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट ये कर्ली ब्रैकेट के साथ लेना है, मतलब ए बार क्रॉस सी बार को अंदर मल्टीपल करना है। तो देखो बीच में लगा है डॉट प्रोडक्ट, तो जब मैं यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर वेक्टर के बीच में होता है ना, वेक्टर वेक्टर के बीच में होता है। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँगा डॉट प्रोडक्ट को इसके साथ, तो क्या होगा, ये जो डी बार डॉट बी बार है ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। डी बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ आएगा और ए बार वेक्टर है। तो ये फर्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बाहर होगा और ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लगेगा, तो ये डी बार डॉट बी बार को बाहर करें और यहाँ पे ए बार के साथ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट आया ए बार क्रॉस सी बार का, ठीक है। बीच में है माइनस, वैसे यहाँ पे जब ए बार क्रॉस सी बार से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी जो है डी बार डॉट ए बार ये बाहर हो जाएगी और ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ऐसे भी नोटेशन है, और ये भी उसकी नोटेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ये भी उसकी नोटेशन है, ए बार बी बार सी बार, ये सारा का सारा जो है आपने 12th में पढ़े हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और बॉक्स प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि ये 3 वेक्टर में से अगर 2 वेक्टर्स अगर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पे देखो 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर सेम है, a बार है ना, a बार डॉट a बार क्रॉस c बार, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें 2 वेक्टर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, माइनस डी बार डॉट ए बार, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, हमारे को राइट हैंड साइड में देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाना है, लेकिन इसका जो नोटेशन है वो कैसा नोटेशन है, ए बार पहले है, फिर बी बार है, और फिर बाद में सी बार है, लेकिन यहाँ पे बी बार और ए बार, बी बार पहले आ गया, ए बार बाद में, सी बार उसकी पोजिशन पर बराबर है। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी 2 वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं ना तो उसकी साइन चेंज होती है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करेंगे, तीनों वेक्टर को एक एक पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी, ये आपने पढ़े हैं 12 के अंदर, राइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी बार को उसकी पोजीशन पर रख रहा हूँ, बी बार और ए बार को आपस में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर ऐसे लाना है। तो जब मैं 2 वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करूँगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो ये इसकी साइन चेंज होगी, ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लिख लेते इसको, ये ए बार को इधर लिख लेते और बी बार को उसकी जगह पे लिख लेते, बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है। सी बार अपनी पोजीशन पे है और मैंने क्या किया, ए बार और बी बार को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उसकी वजह से ये साइन माइनस हो गई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ज़ीरो, इसको तो हटा दो आप, ठीक है। और इसको पहले लिख लेते, तो कर्ली ब्रैकेट में ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, इनटू ये है हमारा d बार डॉट ए बार को ए बार डॉट डी बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और ये आपको शो करना था, देखो ये क्या है तुम्हारा राइट हैंड साइड है,
तो इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। अब जो फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखा था लिस्ट के अंदर, वो आपको होमवर्क रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।